Assalamualaikum students, for 10th class, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 की ग्रोसरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की है ट्रांसलेशन को, तो जो आज लेक्चर नंबर 19 जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ब्रेकअप, उसके अकॉर्डिंग आज हमें डिस्कस करना है ग्रोसरी वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करते हैं इस ग्रोसरी वर्ड्स को। फर्स्ट जो वर्ड है एक्सेसिबल, काबिल पहुंच, पॉसिबल या अवेलेबल, दस्तयाब होना, मुमकिन होना, मिल जाना। एडहेसिव, चिपकने वाला, चस्पंद, जुड़ जाने वाला। क्लिंगिंग, चिमटना, ग्लूइंग, तो जिसे कहते हैं ग्लू एक ऐसा मटेरियल है जो चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एक ऐसा मरहम कहते हैं जो अक्सर इस्तेमाल होता है जब जहाँ चोट लग जाए उसको फायदा पहुंचाने के लिए। एक ऐसी ऐसा ऑइंटमेंट है जो जख्म हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका बनता है सब्सटेंस या एन ऑइंटमेंट। उसके बाद है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है जख्म का खराब हो जाना, एलर्जी हो जाना, तो इसके लिए एलर्जी या कंटेमिनेशन, खराब हो जाना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, इसका पार्ट्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का बनेगा पार्ट्स या कंपोनेंट्स। उसके बाद माइनर, मामूली, थोड़ा सा, लिटिल या स्लाइट। उसके बाद है ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट के लिए एंटीबायोटिक क्रीम या सब्सटेंस आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रिंस, धोना, साफ करना, वॉश या एब्लूशन। उसके बाद है ट्विजर, ये एक ऐसा पार्ट है फर्स्ट एड बॉक्स में जो कि अक्सर चोट में से मट्टी के जरात को निकालने या बालों को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कहते हैं पर्किंग आउट हेयर्स। तो ये हमारे ग्रोसरी वर्ड्स हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन आंसर्स को जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप, सॉरी, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई? आपको बार बार चोट में से ये देखने की जरूरत नहीं है कि आया कि खून रुका है या नहीं, क्यों नहीं रुकी, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो जो क्लॉट है जो उस जख्म के ऊपर बन रहा है वो नहीं बन पाएगा और इस तरह से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, उसके बाद है Why is it necessary to keep away soap from the wound? क्यों जरूरी है कि जख्म में से आप जख्म के ऊपर से जो है साबुन का इस्तेमाल ना करें? Because it can irritate the wound. That is why it is necessary to keep away the soap from the wound. How is it an antibiotic cream or ointment good in healing the wound? क्यों जो है एक एंटीबायोटिक क्रीम जो है जरूरी है, अच्छी है, मुफीद है एक जो के लिए? बिकॉज इट कैन फास्टन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ये जो क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस को मुंदमिन होने में, वाउंड को जो है मुंदमिन होने में हीलिंग प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट करता है। व्हाई शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस? अक्सर पट्टी के अंदर जो है हम एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा एंटीबायोटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि चिमटने वाला होता है, चस्पंद होता है। अगर ऐसा है तो अगर एडहेसिव फ्री जो हम मटेरियल इस्तेमाल करें, सिंपल। उसके बाद है व्हेन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, व्हेन योर फर्स्ट एड बॉक्स डजंट वर्क यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। उसके बाद है व्हाई शुड यू योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, हमने कल डिस्कस किया था लास्ट पैराग्राफ के अंदर, हमारे पास ऑलमोस्ट 6, 9, 11, 12 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से वाले हैं? फर्स्ट है फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड बुक जो है ये हमारे पास यूज होती है। उसके बाद है बैंड एड्स या प्लस्टर, बैंड एड्स या प्लस्टर। उसके बाद है हमारे पास इलास्टिक बैंडेजेस हैं, गॉज एंड एडहेसिव मटीरियल, एंटीसेप्टिक वाइप्स हैं, कॉटन वूल, सेफ्टी पिंस एंड ट्विजर्स। उसके बाद है सीजर्स, उसके बाद है कैलामिन लोशन, लैटेक्स ग्लव्स। उसके बाद है हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर,
और एंड पे है एनर्जेसिक टैबलेट्स या पिल्स, इस पर इस्तेमाल है। आज के हमने इस लेक्चर में नहीं दिखाया, कल हम एक्सरसाइज से जो ग्रामर पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।